Summer Solstice 2023, the longest day of the year. Hello and welcome to Vibes of India. आज यानी 21 जून बुधवार को साल का सबसे लंबा दिन होने वाला है। इस दिन 12 घंटे की जगह 14 घंटे का दिन होता है। इसके बाद दिन घटना शुरू हो जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं कि आज का दिन क्यों बड़ा होता है और इस दिन परछाई भी क्यों आपका साथ छोड़ देती है। सूरज की किरणें पृथ्वी पर लगभग 15 से 16 घंटे तक रहती है, इसलिए इस दिन को साल का सबसे बड़ा दिन कहते हैं। इसे सोल्स्टाइस भी कहते हैं। इसका अर्थ है सूरज अभी भी खड़ा है। 21 सितंबर आते आते दिन और रात एक बराबर हो जाते हैं। इसके बाद 21 सितंबर से रात लंबी होने का सिलसिला बढ़ने लगता है। ये प्रक्रिया 23 दिसंबर तक होती है। दरअसल पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सीधे खड़ी होकर चक्कर नहीं लगाती, बल्कि यह अपने अक्षांश पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी अवस्था में सूर्य के चक्कर लगाती है। चक्कर लगाने के दौरान पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध इसके सामने आते हैं। जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। आपको पता है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, वैसे ही 21 जून से सूर्य की गति दक्षिण दिशा की ओर होनी प्रारंभ हो जाएगी। इस वजह से सूर्य का उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर गमन होगा, यानी आज से सूर्य का दक्षिणायन प्रारंभ हो जाएगा। इस कारण से आज के बाद से दिन छोटे होने लगेंगे, रात बड़ी होने लगेगी। 21 सितंबर को दिन और रात बराबर घंटे के होंगे, तो उसके बाद से रात बड़ी होगी। धन्यवाद।